इससे ज्यादा लोगों की मौत हुई और इन मौतों को लेकर सूबे की राजनीति गरमाई हुई है। राजनीति ऐसी हो रही है कि एक दूसरे का नामकरण किया जा रहा है। सुबह सुबह आरजेडी ने सोशल मीडिया पर जेडीयू का फुल फॉर्म बताया तो बवाल खड़ा हो गया। तुरंत जेडीयू ने भी आरजेडी का फुल फॉर्म खोज लिया और फिर शुरू हो गया सियासी वार पलटवार। दोनों दल एक दूसरे की बखिया उधेड़ने लगे। सुबह सुबह सीएम पर फायर हो गए लालू, फिर शुरू हो गई फुल फॉर्म वाली सियासत। आरजेडी ने किया नामकरण तो भड़की जेडी। राष्ट्रीय जहरीला दल, इसने समाज में जहर घोला। चार जिलों में 45 से ज्यादा मौतें जहरीली शराब से हुई और इस जहर के जाम को लेकर सूबे की सियासत भड़की हुई है। सुबह सुबह ही इस मसले का सियासी कनेक्शन आरजेडी ने निकाला और सोशल मीडिया पर जेडीयू का फुल फॉर्म बताया। जेडीयू का मतलब ही होता है जहां दारू अनलिमिटेड उपलब्ध हो, जैसे जहां डीसे दारू यूसे अनलिमिटेड उपलब्ध। और बिहार के शासक चुपचाप सत्ता संरक्षित अवैध शराब के कारोबार को फलने और फूलने दे रहे हैं। इस फुल फॉर्म में जेडीयू तिलमिला गई। आनन फानन में आरजेडी का भी फुल फॉर्म खोजा गया और बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। राष्ट्रीय जहरीला दल, इसने समाज में जहर घोला। जाति का, धर्म का, भ्रष्टाचार का, वंशवाद का, परिवारवाद का जो निकृष्टतम रूप दिखाया है तो ये समाज के लिए जहरीला है। नामकरण की इस सियासत में गड़े मुर्दे भी उखड़ने लगे। जेडीयू को याद दिलाया गया कि कैसे नरेंद्र मोदी ने जेडीयू का नामकरण किया था और फिर भी जेडीयू बीजेपी के साथ हो गई। नीरज जी, आप प्रधानमंत्री जी की बात को याद कर लिए होते तो आप ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते। प्रधानमंत्री जी ने जेडीयू के संबंध में क्या कहा था? जनता का अवैध शराब से मौत पर हो रही सियासत में जेडीयू की घेराबंदी हुई तो एनडीए के सहयोगियों की भी नींद खुली। तुरंत ही मैदान संभाला और आरजेडी पर पलटवार किया। हम कहते हैं इनको राष्ट्रीय झूठा दल। राष्ट्रीय मतलब बिहार स्तर के झूठा नहीं है, ये राष्ट्र स्तर के हैं। शराबबंदी का अगर सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई दल है बिहार में तो वह है राष्ट्रीय जनता दल। इसके भी कई कारण हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही शराब बेचने में भी संलिप्त पाए जाते हैं, साथ ही साथ शराब का सेवन भी करते हैं। जिस तरह से जहरीली शराब से हर साल मौतें हो रही हैं, वो बेहद गंभीर मसला है। उस पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार इन मौतों को लेकर जिम्मेदारी तय क्यों नहीं करती। सियासत इसी की हो रही है। नामकरण तो एक बहाना है, निशाना तो सरकार और सिस्टम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस मामले में बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने प्रतिक्रिया दी है। जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने आरजेडी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने आरजेडी का फुल फॉर्म भी बताया। वहीं शराब से मौत पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोगों की मौत जहरीली शराब से नहीं बल्कि मेथनॉल से हुई है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जेडीयू पर बड़ा हमला बोला। जेडीयू का उन्होंने नया नामकरण किया जहां दारू अनलिमिटेड। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा हैं, हम उनसे बात करेंगे। जेडीयू का राजद ने नया नामकरण कर दिया है जहां दारू अनलिमिटेड। भाई, हम भी आरजेडी का फुल फॉर्म बता देते हैं। आर का मतलब हुआ पूरे बिहार के उनके कार्यकर्ता और नेता जो है वे रमे हुए हैं, और जे का मतलब हुआ जागरूकता फैला करके बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए। डी का मतलब दारू भेजवाओ और बिहार सरकार को बदनाम करो। पर सर, जिस तरह से बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, कहाँ लग रहा है कि चूक हुई है? हमारी सरकार, हमारी प्रशासन ने डबल SIT गठन करके और उसको जांच करवा रहे हैं। आप जानते हैं जहरीली शराब नहीं था, वह
वह मिथेनॉल था और सब जानता है मिथेनॉल के प्रयोग से वह आदमी बचेगा ही नहीं। तो मिथेनॉल का प्रयोग जो किया है हमको इसमें साजिश लगता है, बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए मिथेनॉल का यूज किया जिसे बिहार में सिवान, छपरा और गोपालगंज में मृत्यु हुआ। एक आखिरी सवाल, चतरा में जनसभा कर रहे हैं तेजस्वी, कह रहे हैं कि बीजेपी एमएलए को हाईजैक नहीं कर सकी तो हमारे चाचा नीतीश को ही हाईजैक कर लिया उन्होंने। अरे भाई बीजेपी क्या चाचा को बात क्या करते हैं, वो जो अपने घरे में हाईजैक किया है तो उसको ना जवाब दे हमको। तो तेजस्वी यादव पर बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने बड़ा हमला बोला है और इन्होंने भी राजद का नया नामकरण